कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर संसद में मचे हंगामे के चलते फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। हंगामा इस कदर बढ़ा कि लोकसभा को 22 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बुधवार को ही पता चलेगा कि बिल पर बहस हो पाएगी या फिर नहीं। वो हंगामे के चलते संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं होने के चलते कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मैं समझता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बिल को पारित नहीं होने देना चाहती, इसलिए कोई न कोई रोज सदन को बाधित करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। भले ही फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन सरकार के लिए राहत की बात यह है कि मुलायम सिंह मान गए हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने बिल के विरोध की जिद छोड़ दी है। पार्टी अब इस बिल में कुछ संशोधन ही चाहती है। बीएसपी ने भी फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन किया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बिल जब संसद में आएगा तो इसे पास कराया जाएगा ताकि गरीबों को भोजन की गारंटी मिल सके। फूड सिक्योरिटी बिल संसद में पास तो नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत हो गई। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मौजूद थी। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमें फूड सिक्योरिटी बिल पर गर्व है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऐसी कोई योजना नहीं है जो फूड सिक्योरिटी बिल का कोई मुकाबला कर सके।